तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल मैंने ये TVS को छोड़ दिया था, इसे मैं कंप्लीट नहीं किया था। कल बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही थी, आपने वीडियो में देखा था, स्टार्ट नहीं हो रही थी। स्टार्ट बहुत ज़्यादा की माने पर एक आध बार स्टार्ट हो रही थी और इतना पटाखे छोड़ रही थी और फिल्टर से पूरा धुआं आ रहा था, बैक कंप्रेसर मार रहा था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें प्रॉब्लम ये पिकअप कॉइल का प्रॉब्लम था। मुझे लग रहा था कि पिकअप कॉइल का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं नया पिकअप कॉइल इसमें डाला था, इसलिए उस पर थोड़ा सस्पेंस नहीं जा रहा था, उस पर नहीं जा रहा था कि यही ख़राब हो, क्योंकि मैं नया डाला था इसे। और इसके बाद मैं दूसरा डाला, तीसरा डाला, ओरिजिनल लेकर आया था मैं। उसके बाद फिर भैरव कंपनी का लाया था, वो भी डाला मैंने। तीन पिकअप कॉइल इसमें डाले, फिर भी वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मैं इसी तरह का परसों एक गाड़ी में आर्मेचर चेंज किया था, पूरा आर्मेचर कट गया था। ये आर्मेचर है उसका, उसका मैं वीडियो उस चैनल में डालूंगा अभी शाम को। तो इसमें से मैं खोलकर, इसमें क्या हुआ था कि इसका जो मैग्नेट का एलेंकी बोल्ट जो था वो टूट गया था, तो इससे ये कॉइल ख़राब हो गया था। तो मैं इसका पिकअप कॉइल डाला, ये भी न्यू ही था, सिर्फ इसमें आर्मेचर कट गया था। तो ये पिकअप कॉइल मैं इससे काट कर मैं इसमें डाला, तो ये स्टार्ट हुई और सही हुई। और ये पिकअप कॉइल देख रहे हैं आप, बिल्कुल न्यू है। और मैं ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, वायर से पता चलेगा, वायर देख रहे हैं बिल्कुल न्यू है। तो मैं तीन पिकअप कॉइल, अब बताइए पिकअप कॉइल पे तो जब मैं नया डाला तो वो फॉल्ट होगा ही नहीं, क्योंकि मैं नया डाला हूँ उसमें, तो बार बार उसी पर ध्यान नहीं जा रहा था। और मैं टाइमिंग चेक कर रहा था, ये तो मुझे पता था कि ये पिकअप कॉइल या टाइमिंग इसे ही दोनों का फॉल्ट है, कार्बोरेटर का फॉल्ट नहीं हुआ। एक भाई साहब कार्बोरेटर के बारे में बोले थे, दो तीन, कार्बोरेटर का फॉल्ट नहीं था ये। तो मुझे टाइमिंग और पिकअप कॉइल पे ज़्यादा डाउट था। तो खैर कुछ भी हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाता है। दो घंटे, चार घंटे, दिन भर, दो दिन, तीन दिन लग जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होना ही होना है। जब मैं उस पर ध्यान देकर काम करूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही, क्यों नहीं सॉल्व होगा प्रॉब्लम? जब कारण है, कोई कारण है तब सॉल्व होगा ही होगा, कोई और दूसरा ओरिजिन होता ही नहीं है। कुछ सामान फॉल्ट है तभी तो कोई उसमें खराबी आई है, ऐसे तो खराबी ऊपर से आसमान से तो आती नहीं है। तो मैं अभी इसे फिटिंग ही कर रहा हूँ, अभी मैं इसे स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसे अभी फिटिंग पूरा नहीं किया है, अभी ये कवर मैं लगा दिया हूँ, अभी यहाँ लगाना बाकी है, और बाकी सारा जो है वायरिंग वगैरह सब मैं कर दिया। और पुरानी गाड़ियों में आपको ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि उसमें इतना तार कटा हुआ रहता है ना कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको ये स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। क्लच प्लेट भी इसका जला हुआ है। इसका लाइट भी सही है। तो कल बहुत दिमाग ख़राब किया इसने मेरा, ऐसा दिमाग ख़राब होते रहता है, गाड़ियाँ एक से एक आते रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ छोटा मोटा ही फॉल्ट आएगा, अगर आप गैरेज किए हुए हैं तो आपको कोई भी फॉल्ट आ सकता है, किसी भी तरह का फॉल्ट आ सकता है। इससे मैंने खोलकर इसमें लगाया। एक और गाड़ी आई थी परसों, इसी तरह की थी, उसमें करंट नहीं आ रहा था, दोनों आपस में ये टच कर रहा था, ये दोनों आपस में टच करने पर करंट आ रहा था, सिंगल करंट नहीं आ रहा था, इसमें अलग अलग करंट आता है। वो वीडियो में मैं डिटेल बता दिया हूँ, वो वीडियो आप देख लें अगर आपको देखना है। तो इसी में फॉल्ट था। मैंने तीन पिकअप कॉइल डाले, तीन पिकअप कॉइल में ये सॉल्व नहीं हुआ, लास्ट में मुझे पुराना डालना पड़ा। पुराना नहीं है ये, नया ही है, मतलब मेरे पास तो रिजेक्ट हो गया ना ये, तो इससे मैं खोल कर डाला। इसमें मुझे 4-5 घंटे लग गए और लास्ट में आखिरकार प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जिनका बाइक है उनको मैं कह दूंगा कि क्लच प्लेट भी ख़राब है, वो आएंगे लेने के लिए। तो वैसे मैं फ़ोन पर कह दिया होंगे कि गाड़ी आपका बन गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कहीं और दिखवाएं, बोले कि 5 जगह में दिखवाया, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ मेरा। पिकअप कॉइल आर्मेचर भी नया डाला था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जो भी बिल होगा उससे मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान था इसमें। तो चलिए, ऐसे प्रॉब्लम, दुकान खोले हुए हैं, गैरेज है, तो ऐसे प्रॉब्लम आप फेस कीजिएगा, हमेशा कीजिएगा, प्रॉब्लम ऐसा होता रहता है। तो अभी लॉकडाउन है तो मैं दुकान पे काम नहीं कर रहा हूँ, सुबह में थोड़ा बहुत जाता हूँ दुकान, लिमिट है। और मैं यहाँ घर पे, ये मेरे पापा की शॉप है, तो मैं
पापा का दुकान क्लोज है, तो मैं अभी शटर गिरा कर इसमें मेरे जो कस्टमर है परमानेंट कस्टमर है उनका गाड़ी ख़राब हो जा रहा है, तो मुझे करना पड़ रहा है शटर डाउन करके मैं कर रहा हूँ इसमें काम। तो क्या होता है कि कभी कभी पुलिस वाले भी आ जाते हैं, हालांकि थाना के बगल में ही दुकान है मेरा, तो कुछ जान पहचान भी है, माइंड नहीं उतना। तो देख रहे हैं ये दिमाग ख़राब करने वाली बाइक, ऐसी बाइक हमेशा आती है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई दिमाग ख़राब करने वाली बातों को लेकर। तो जितने भी मैकेनिक लोग हैं बहुत सारे प्रॉब्लम फंसते हैं, मैं भी फंसता हूँ, तो मैं आपको इस चैनल में यही सब वीडियो दिखाऊंगा कि किसी प्रॉब्लम में फंस गए या जो भी हो, छोटा मोटा वीडियो लाइफ से रिलेटेड, ब्लॉग ब्लॉगिंग, वो तो मैं बड़ा बड़ा टाउन में रहता नहीं हूँ, देहात में रहता हूँ, तो मैं वैसा ब्लॉगिंग आपको दिखा नहीं सकता, बस देहाती ब्लॉगिंग दिखाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।